आज अपन चैप्टर सेवन स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सी बी एस सी की एट पॉइंट फोर जैसा है ठीक है तो कुछ क्वेश्चंस जो अपन एट पॉइंट फोर में इसमें रिपीट भी हुए हैं उस जैसे ही क्वेश्चन है तो वो मैं आपको यहाँ पर लिंक डाल दूंगा कौन से कहाँ से जाना है वो उसमें से कर लेंगे बाकी सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं आज अपन स्टार्ट करेंगे सेवन पॉइंट वन ठीक है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हैं एक बार पढ़िए आप यानी कि सारे टेक्नोमेटिक रेशियो को सेक थीटा के टर्म में आपको बदलना है यानी कि के रेशियो तो सारे होते हैं साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा टेन कोड सबको किस में चेंज करना है सेक थीटा में मतलब थीटा जितने भी हैं छः के चे, छः उन सबको सेक थीटा में आपको कन्वर्ट करना है यानी कि साइन को भी सेक में कोस को भी सेक में टेन को भी सेक में ठीक है सबको तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन को तो अपने को सेक में चेंज करना तो कोई सी भी शुरू कर दो अपने वन होती है। तो मुझे एक बात बताओ साइन स्क्टा को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर थीटा, थीटा राइट तो मैं साइन थीटा जो साइन है वो कब वन माइनस कोस को लिख सकता हूं वन अपॉन सेक थीटा और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो तो बोले पूरे पे लगाओ तो भी वन का स्क्वायर थीटा होगा फिर लिख दो ठीक है तो कोस स्क्वायर इसलिए वन अप, होता है वो अपने यहाँ पर अप्लाई किया है स्क्वायर तो मैं चाहूं तो होल्ड वाइज लगा एक ही बात है तो अपन को साइन को बदलना तो साइन को बदलना है तो यहां पर साइन स्क्वायर है तो आप क्या करो इस स्क्वायर को तो आपको पता ही जब इधर जाता है तो रूट में जाता है वन थेटा। प्लस माइनस में जाता है लेकिन माइनस की वैल्यू लेते नहीं है तो साइन की वैल्यू क्या आ गई वन माइनस वन अपॉन से स्क्वायर थेटा और ऊपर पूरे के ऊपर अंडर रूट है मतलब यह है कि पूरा क्वेश्चन साइन का पूरा सेटर में बदल गया ठीक है चलो साइन आ गया तो आप जानते हो खुद वन वनपो से चलो कोस ऐसे चेंज हो गया टर्म टर्म में में तो साइन में चेंज हो गया कोस टर्म में चेंज हो गया अब आ जाओ बच्चे टैन थीटा पर और आप अच्छी तरह जानते हो टेन थीटा क्या होता है साइन थीटापोन कोस थीटा होता कि नहीं होता होता है। साइन थीटा क्या आया ये रहा साइन थीटा की जगह साइन थीटा वाली वाली रख दो वन माइनस वन अपॉन सेक्स स्क्टा अपॉन थीटा कोस क्या वन अपॉन है बच्चे टेन थीटा तो टेन थीटा बराबर देखो इसके ऊपर रूट है इसके ऊपर रूट नहीं है रेसिप्रोकल करवा दो तो वो आ जाएगा अंदर वन माइनस वन अपॉन सेक्स थीटा और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया ठीक है इसके बाद देखो इसके बाद नीचे देख लो तो टेन थीटा इसके लेंगे अपन एल्सियम रूट का रूट एल्सियम ले तो एलसीयम थीटा थीट का माइनस सेक्सर थीटा वन वन मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया एल्सियम सोल्व कर रहा अपने हिसाब से कर सकते हो इधर सेक्स थीटा अब देखो पीछे टेन थीटा बराबर पूरा क्यूशन से के टर्म में चेंज हो गया ठीक है अब देखो अब मैं इसका तो से माइनस वन ही रखूंगा बिकॉज इसका तो रूट हटेगा नहीं अब गलती से आप सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन को टेन स्क्वायर थीटा मत लिख देना बिकॉज फिर तो टेन के टर्म में चेंज हो जाएगा ना अपन को पूरे क्वेश्चन क्यूशन सेक के टर्म में रखना है इसलिए चेंज नहीं करेंगे लेकिन इसका रूट हट जाएगा इससे इसके ऊपर भी तो रूट है इसके ऊपर भी तो रूट है इसके ऊपर तो 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 लगा रहेगा, इसका इसका ये ये है नहीं, होल होता तो हट जाता, और और तो इसके गया, गया गया, बच इधर में इससे कट की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट में स्क्वायर थीटा माइनस वन ये टेन थीटा गया टेन थी थोड़ा सा लंबा चला कोई बात नहीं टेन होता है अपॉन कोस Sign की वैल्यू ये यहां से ली थी कोस की वैल्यू यहाँ से ली थी इसका करवा दिया, इसके बाद यहां लेके ले। तो हालांकि साइन भी होता है लेकिन वो लंबा पड़ेगा टेन की सीधी सेट रख देंगे वैल्यू यहाँ पर वन अपॉन टेन की वैल्यू ये रही। तो ये डायरेक्ट चेंज हो गया वन। ये कौन आ गया कोट थीटा चलो कोट भी के टर्म में चेंज हो गया देखो करना कुछ नहीं है पूरा और कोई भी नहीं होना चाहिए और कोई भी थीटा नहीं होना चाहिए। देखो, सेक है बाकी है चलेगा थीटा सेक ही होना चाहिए ठीक है चलो साइन हो गया कोस हो गया टेन हो गया कोर्ट हो गया सेक तो खुद एक बच्चा कोशेक एक लास्ट बचा है कोशेक थीटा उसको बच्चे अपन यहाँ कर देते हैं कोशेक थीटा वो होता है वन अपॉन साइन थीटा पता ही नहीं होता तो वन अपॉन साइन की वैल्यू क्या आई थी ये रही वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन है ये हो गया अपना तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी में चेंज हो गया ये भी सेक तो में से चेंज हो गया ये भी सेक में तो मतलब सारे थीटा से थी चेंज हो गया सिंपल सा क्वेश्चन था हाँ मुझे तो क्वेश्चन नंबर टू एक बार पढ़ो आप यूं कह रहा है क्वेश्चन नंबर टू कि साइन थीटा सेक थीटा एंड टेन थीटा इन तीनों को किसमें बदलना है कोड थीटा के टर्म में बदलना है ठीक है बच्चे देखो एक बार कि जो पिछला क्वेश्चन था वो ये था कि सारे थीटा को सेक में बदलना था अब इसको साइन को भी कोर्ट में बदलना है सेक को भी कोर्ट में बदलना है और टेन को भी कोर्ट में बदलना है। बस देखो अब साइन से कोर्ट कैसे आएगा जितना ज्यादा नजदीक जो पड़े वो आइडेंटिटी लगानी है यानी कि अपन एक बात बताओ अपन ये जानते हैं कि कोसे माइनस कोर्ट स्क्वायर थीटा बराबर वन बताया था मैंने आपको एस टी एस सी 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 शॉर्टकट फॉर्मुल में जाओगे तो सब मिल जाएंगे आपको तो कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कोर्ट स्क्वायर थीटा बराबर वन ये मैंने क्यों लगाया जबकि मुझे तो कोशेक को तो चेंज करना ही नहीं है लेकिन मुझे ये पता है कि कोशेक मुझे साइन दे देगा कोशेक होता है वन अपॉन साइन और कोर्ट को उधर भेज दूंगा तो कोशेक से साइन आ जाएगा और क्वेश्चन कोर्ट भी चाहिए तो कोर्ट में बदल भी जाएगा तो ये आइडेंटिटी ज़्यादा बेटर है यानी कि इसका मतलब ये समझो कि कोशेक स्क्वायर थिएटा बराबर वन प्लस कोट उधर तो जाके कोट हो जाएगा प्लस का अब देखो बच्चे इसको मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कोशेक स्क्वायर है ना तो इस स्क्वायर को हटाओ और इधर भेज दो तो रूट में प्लस माइनस होता है लेकिन माइनस लेता नहीं बार बार क्या बताना तो कोट स्क्वायर थिएटा ये ले लिया अब देखो मुझे कोशेक तो चाहिए नहीं ना कोई बात नहीं कोशेक को लिख दो तो वन अपॉन साइन

ये तो आ जाएगा इसके नीचे बिकॉज़ डिवाइड में तो इसके नीचे आ जाएगा बराबर इसको जब इधर भेजेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और वन का नीचे कोई मतलब नहीं इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 कोट स्क्वायर थीटा ठीक है मतलब sin थीटा कोट के टर्म में आ गया आ गया चलो चलो sin तो आ गया sec अब सुनो sec थीटा होता है दो फॉर्मूले sec होता है 1 अपॉन कोस। अब क्या अपने पास कोस है क्या नहीं है तो फिर एक ऑप्शन और है यहां पर अगर कोस की वैल्यू नहीं है फिर अपन नहीं लगाएंगे जानबूझ के मैं आपको मिटा रहा हूं क्लिक किया कि आपके माइंड में इक्वेशन उठ रहा होगा लेकिन एक बेटर होगा आप काम करो सेक्स स्क्तर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन एस टी सी, सी। शॉर्टकट है ना तो सेक्स थीटा बराबर टेन को उधर भेज दो तो वन तो वन और टेन दो जाके हो जाएगा बच्चे प्लस का ठीक है अब सेक, अकेला चाहिए ना सेक थीटा को बदलना नोट स्क्वायर को बदलना तो इस इस स्क्वायर को उधर भेज दो रूट में वन प्लस टेन स्कोर थीटा तो सेक थीटा बराबर वन का वन और टेन क्या होता है टेन होता है वन

वन को वन से तो वन ऊपर अंडर रूट का अंडर रूट तो सेक थीटा बच्चे क्या आया देखो इसका तो रूट हटेगा नहीं कोर्ट स्क्वायर थीटा प्लस वन बिकॉज होल ट्वाइस होता तो स्क्वायर से इसका रूट कटता बट इसका रूट कट जाएगा तो इसके ऊपर तो रूट लगा रहेगा और इस स्क्वायर इसका रूट कट जाएगा मतलब ये कोर्ट सेपरेट आ गया कोर्ट थीटा ओनली क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया तो सेक चेंज हो गया पूरे कोर्ट के टर्म में देख लो भाई सब जगह कोर्ट ही कोर्ट नजर आएगा तो सेक थीटा हो गया कोर्ट थीटा चलो सेक भी हो गया और टेन का तो सोचना ही नहीं है टेन तो एक ही सेकेंड में हो गया टेन होता है थीटा ठीक है तो इस तरीके से टेन भी कोर्ट में चेंज हो गया सेक भी चेंज हो गया और साइन भी चेंज हो गया ठीक है हाँ बचा क्वेश्चन नंबर थ्री आपका यू कह रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इन टो स्क्वायर थीटा बराबर कोर्ट स्क्वायर थीटा एल एच एस ये है वो आर एच एस आपको प्रूव कराना है या ओवरऑल आपके तीस क्वेश्चन है एज लाइक जो है उस जैसे ही क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ध्यान से समझना ये लेफ्ट हैंड साइड है सारे इक्वेशन इंपॉर्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा कोट स्क्वेयर थीटा ठीक है बच्चे हाँ अब देखो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है देखो इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा है इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा ये पूरा एक टर्म है ये पूरा एक टर्म है तो क्यों ना कोस थीटा कॉमन ले ले अपन पीछे क्या बचा ये पूरा टाइम है इसमें से कोश स्क्वायर थिएटर निकल गया मतलब इस जो चीज कॉमन ली जाती है उसका मतलब होता है बारी बारी से डिवाइड करना तो जब कोस स्क्वायर थीटा का इसमें डिवाइड किया कोस वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा वन कंप्लीट पीछे क्या बचा स्क्वायर थीटर हमें आंसर कोट स्क्वायर थीटा चाहिए तो अब इसके लिए कुछ जुगत करनी पड़ेगी क्या करें ये कोई आइडेंटिटी होती है तो कोस एक लाके देगी उससे कोई बेनिफिट नहीं है तो एक तरीका और है कोच स्क्यर थीटा को तो कोच स्क्वायर थीटा रहने दो वन प्लस कोड थीटा क्या होता है बच्चे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता कि नहीं होता ऊपर स्क्वायर है तो लगा दो स्क्वायर और एक होल ब्रैकेट लगा दो आप बड़ा ब्रैकेट लगा दो चाहे मीडियम ब्रैकेट लगा दो एक ही बात है तो कोच स्क्वेर थीटा ब्रैकेट वन प्लस इसको खोल दो बारी बारी

ये हो गया वन क्योंकि आइडेंटिटी होती है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थेटा गया वन और ये हुआ क्या कराने यहां पर लिख दो कि that, देखो जी, जब कोस स्क्वायर थे वन से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थे और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थेटा जब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल ट्वाइस ओके दोनों पे स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लगा दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बच्चे कोड थीटा और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इट स्क्वायर कोड तो यही तो चाहिए था तो ये अपना आ गया आ तो काफी सिंपल से क्वेश्चन है थोड़ा सोचना जरूर है ओके okay? हाँ बच्चे तो क्वेश्चन नंबर फोर आपका यूँ कह रहा है sec ब्रैकेट में वन माइनस साइन थीटा sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर वन काफी अच्छा क्वेश्चन ध्यान से समझना देखो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इजी है अगर आप सोचो तो लेकिन दिक्कत ये है ना कि आप खुद भी क्या ऐसा ही सोच रहे हो वो थोड़ा ध्यान देना देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है ओके तो बच्चे अपन को वन लाना है मतलब इट मीन्स ये है कि इन सबको खत्म करना तभी वन आएगा राइट तो देखो बच्चे ऐसा है कि क्वेश्चन कितनी टर्म मतलब है मतलब थीटाज में ये मानो आप सिंपल सेक है साइन है सेक है टेन है सेक था साइन और टेन मतलब तीन टिक्नोमैटिक रेशियो है तीन थीटा है अपन को कोशिश करनी है कि कोई दो बने कोई दो में कन्वर्ट हो जाए भले वो साइन कोस में हो जाए भले वो सेक टेन में हो जाए ताकि कोई आइडेंटिटी काम कर जाए एस टी एस सी 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 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन ये एस सी एस टी यानी कि सेक स्क् थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन और सी सी मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर तो कोशिश करनी है बच्चे कि इसमें कोई आइडेंटिटी काम करे और अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो वन आ जाए देखो बच्चे इस क्वेश्चन को मैं अगर देखू ना तो ईजी पड़ेगा कि अपन इस पूरे क्वेश्चन को साइन कोस के टर्म में चेंज कर दें देखो सेक क्या होता है सेक होता है अपॉन कोस थीटा क्यों अपन पूरी क्वेश्चन को साइन कोस के टर्म में चेंज कर रहे हैं ये वन माइनस साइन थीटा का वन माइनस साइन थीटा ही रहने दो बिकॉज ये ऑलरेडी साइन के टर्म में है तो इसको नहीं छेड़ना ओके okay, इधर आ जाओ सेक को गायब करो साइन कोर्स के टर्म में लिखना है तो वन अपॉन कोस लिख सकते हैं प्लस टेन को लिख दो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ब्लैकेट कुछ पूछना है इजी अब देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में है पूरा क्वेश्चन साइन कोर्स के टर्म में चेंज हो गया

वन माइनस साइन थिएटा वन प्लस साइन थिएटा यानी कि इट मीन्स हमें एक फॉर्मूले की याद आ गई इसको देख के ए माइनस बी और ए प्लस बी जो कि क्या होता है बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर मतलब यहाँ अगर मैं बात करूँ ए की तो ए हमारा है वन और बी हमारा है साइन थीटा बी को क्या लिया अपने साइन अब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ए को क्या ले रहा हूँ बी को क्या ले रहा हूँ ठीक है ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वे माइनस बी स्क्र अपॉन नीचे कोस इंटू कोस कोस स्क्टा ठीक है अब बोर्ड पे देखो हमें तो वन चाहिए ना तो ये जो वन के ऊपर स्क्वायर है वन एक बेचारा ऐसा होता है कि आप जो चाहो इसको जैसा बना लो वन के ऊपर अगर इधर स्क्वायर का फॉर्म लगाना है तो वन के ऊपर स्क्वायर लगा लो अगर इधर क्यूब होता है क्यूब बना लो क्योंकि वन के ऊपर तो कुछ भी लगाओ वन की वैल्यू तो वन ही होती है लेकिन अभी हमारे को इस स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है वन का स्क्वायर हमें कोई जरूरत नहीं है। वन का स्क्वायर वन ही होता है तो मतलब मैं इसको हटा भी दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और क्यों उठाया इसके पीछे रीज़न है कि मुझे इस कोश स्क्वायर को काटना है और वन लाना है और अब मुझे ये पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है और मुझे याद आ गई साइन स्क्वायर की इसको मैं उधर भेजूँगा तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन ये माइनस हो जाएगा उधर जाके इसका मतलब यह हुआ कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसक्र थीटा और यहाँ पर वन माइनस थीटा ही है इसका मतलब ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा और नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा है और इससे ये कट के मेरे को मुझे वन दे देगा दे इसका मतलब यही तो आर एच एस है तो काफी सिंपल क्वेश्चन हाँ बच्चे तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पांचवा आप क्यों कह रहे लेफ्ट हैंड साइड है को सेटा थीटा और राइट हैंड साइड है इंटू सेक थीटा तो बच्चे इट मीनस ये हुआ कि है तो दोनों में से और कौर और एक बट फर्क इतना सा है कि प्लस है और वहां मल्टीप्लाई है इंटू है तो देखो ऐसी कंडीशन बच्चे आप क्या सोचते हो वो मैटर करता है कि आपको एग्जाम में तुरंत देखते ही सोचना है क्योंकि एग्जाम के अंदर इतना सोचने के लिए टाइम नहीं है देखते ही सोल्यूशन आ जाना चाहिए तो बच्चे एक तरीका है कि अगर कोशेक और सेक है तो बेटर होगा इस क्वेश्चन को आप साइन कोस के टर्म में बदल दो कैसे है? कि कोशेक होता है वन अपोन साइन और सेक होता है वन अपोन कोस अपन को यह भी पता है कि कोशेक और साइन वन अपोन साइन होगा कोस एक सेक होगा वन अपन कोस और साइन और कोस सा, uh, मुझे वापस कोशेक और सेक भी दे देंगे तो देखो और कोई ऑप्शन भी नहीं है ऐसी कोई भी नहीं है आप भी क्या तो बेटर है इसको अपन साइन तो को टर्म में बदले तो कोसेक होता है sin ना तो स्कूल तो ठीक है अब देखो बच्चे इसको खोलो खोलोगे तो वन का ऊपर स्क्वायर क्या होता है वन और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन का स्क्वायर वन और कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ओके अब देखो बच्चे इसका लेना पड़ेगा एल्सियम बिकॉज यहां पर माइनस है बीच में तो एल्सीम तो वही आएगा एस दट इज साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्टा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया कोस स्क्वायर थीटा एल्सियम सोल्व कर रहे हैं कोस स्क्वायर थिएटा का डिवाइड किया वन बच्चा साइन स्क्वायर थिएटा साइन स्क्टा को वन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा बच्चे एक बात बताओ साइन स्क्वायर थिएटा प्लस को स्क्वाटा या फिर कोस प्लस साइन होता है वन आइडेंटिटी काम करती नहीं करती साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर वन बिकॉज दोनों में थिएटा थिएटा सेम है एक ही बात है इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता अपॉन नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा कोज दोनों मल्टीप्लाई में एलसीएम लिया था ना इसलिए अब एक बात बताओ ये जो वन है इसका भी है ये वन इसका भी है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ध्यान देना इस, इसी चीज को वन अपॉन साइन स्क्वायर थिएटा इन टू बिकॉज इन टू में है ना न अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या फर्क पड़ता है ये लिखो ऐसा लिखो तो मल्टीप्लाई ना और क्यों लिख रहा हूं आप समझ गए होंगे क्योंकि वन अपॉन साइन होता है कोस एक और ऊपर स्क्वायर स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वास होता है सेक ऊपर स्क्वायर स्क्वायर थीटा यही मेरी राइट हैंड साइड थी इसलिए ये हो गया चेस. हाँ बच्चे तो आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स इस तरीके से है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड अपनी और वो राइट हैंड साइड है देखो बच्चे 1 sin थीटा 1 sin थीटा एंड रूट के अंदर है अपन को आंसर चाहिए sec और tan के टर्म में तो बच्चे sec और tan कब आएगा पहली बात तो रूट जब हटेगा तब आएगा और जब भी रूट वाला क्वेश्चन आ जाए जिसके ऊपर अंडर रूट लगा हो हमेशा डिनोमिनेटर रिज़लाइज़ करना है आपको मतलब हरू का परिमेयकरण करना है हमेशा 1 sin थीटा 1 sin थीटा मल्टीप्लाई क्यों क्योंकि अपन हरों का प्रेमकरण कर रहे हैं रेसलाइज का डिनोमिनेटर का तो यहां पर वन माइनस वन प्लस साइन थीटा तो वन माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे वन से. देखो अच्छा वन माइनस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा यानी कि ए माइनस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया जो कि ए माइनस बी का होल्टुआइ बी इसको कह सकते हैं कह नहीं सकते कह सकते तो इसको देंगे वन ए माइनस बी का हॉल्ट ठीक है नीचे नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि जो नीचे फॉर्मूला लग रहा है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी का लग रहा है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो लगा दो ए ये है बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये अनूट अभी भी ऊपर है सबके

है, दे था था प्लस का होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर वन या फिर साइन एक्टर उधर भेजेंगे तो वन माइनस साइन एस्वीटा को लिख सकते हैं को स्क्वाय थीटा तो इसको लिख दो स्क्वायर थीटा इस स्क्वायर से इसका रूट खत्म इस स्क्वायर से इसका रूट खत्म यानी कि रूट खत्म होने के बाद सेपरेट वैल्यू निकल के आई वन माइनस साइन थीटा और अपन कोटा देखो बच्चे अब जो ये वन है वो इस इसका भी है और इसका भी है मतलब इसको लिख सकते हैं अपन वन अपॉन कोश थीटा माइनस साइन अपॉन कोश थीटा ये होता है बच्चे मतलब समझ में आ रहा है आपके यानी कि बीच में ये प्लस या माइनस होता है तो ये इसका भी होता है और ये इसका भी होता है जो कोस नीचे होता है ना दोनों का बारी बारी होता है तो वन अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं बीच में माइनस का माइनस और साइन अपॉन कोश थीटा भी लिख सकते हैं अब देखो बच्चे वन अपॉन कोश होता है सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कोश होता है थीटा और यही हमें चाहिए था आर वेरी इजी हाँ बच्चे तो आपका क्वेश्चन नंबर सेवन इस तरीके से है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से समझना और इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा सोल्यूशन का ठीक है सबसे पहले अपना एल एच एस उठाते हैं लेफ्ट हैंड साइड देखो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थेटा और रूट है हमें चाहिए आंसर टेन कोड के टर्म में तो बच्चे सेक और को ऐसे तो अपन को टेन और कोड देगा नहीं तो सेक और कोशे को अपन साइन कोस के टर्म में बदल देते हैं और साइन कोस हमें टेन और कोर्स दोनों दे देगा बिकॉज साइन अपन कोस टेन होता है और कोस अपॉन साइन यानी कि दोनों में कहीं ना कहीं साइन और कोस आ रहा है मतलब इस क्वेश्चन को साइन कोस के टर्म बदलना ज्यादा बेटर है तो देखो सेक को लिख सकते हैं अपन वन अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोसे को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर जो अंडर रूट है अंडर रूट अब ले लो आप इसका एल्शियम टैकेंगे ठीक है

प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है वन अपॉन नीचे क्या है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अब देखो बच्चे वन के ऊपर तो रूट का कोई मतलब भी नहीं, तो ही नहीं है वन तो वैसे ही वन ही है रूट हट जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई में हाँ ये प्लस में होता है तो इसका रूट नहीं हटता इस स्क्वायर से इसका भी खत्म इससे इसका खत्म मतलब दोनों मल्टीप्लाई में इसलिए इन, इसका भी रूट खत्म हो गया और वन का भी रूट खत्म हो गया तो कोस थीटा और साइन थीटा बचा देखो या तो मैं इसको यहीं पर रोक दूं और राइट हैंड साइड को सोल्व कर लो एक मिनट आप एक काम करना पहले इससे समझो चलो अभी मैंने इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया अब मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड दोनों तरीके समझना फिर इसके बाद मैं इसी को फिर से बताऊंगा ठीक है आर एच एस आर एच एस है आपकी tan थीटा प्लस cot थीटा बच्चे tan को लिख सकते हैं वन अपॉन सॉरी साइन अपॉन कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा टैकिंग एल्सियम दोनों एलसीय आए साइन थीटा इंटू कोस थीटा कोस से कोस कट गया साइन इंटू साइन साइन स्क्वेयर थीटा इधर आ जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा वन और नीचे क्या बचा साइन थीटा ये मेरा एल एच एस था इट मीन्स एक तरीका तो ये है कि एल एच एस बराबर आर एच एस लेकिन बच्चे एक तरीका और है कोई भी बच्चा सोचा कि नहीं मैं एक तरीके से और करना चाहता हूँ ठीक है एक तरीका और भी है अगर मैं राइट हैंड साइड ना लेना चाहूँ कि नहीं मैं तो इसी को आगे बढ़ाऊंगा राइट हैंड साइड लाऊंगा तो एक तरीका तो ये जो आपने समझ लिया सबसे अच्छा है ठीक है लेकिन नहीं इसी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो बच्चे एक तरीका है कि इस वन की जगह फिर से आप आइडेंटिटी रखो अगर क्वेश्चन साइन करो के टर्म में चल रहा है तो यहां पर इस वन की जगह भी साइन कोस वाली आइडेंटिटी ही रखी जाएगी तो मैं वन की जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा ठीक है बच्चे ध्यान से समझना अब यहां पर प्लस है इसका मतलब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके नीचे पूरा ये भी है प्लस इसके नीचे ये भी है मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये पूरा कोस थीटा इन टू साइन थीटा प्लस कोस स्क्वे थीटा अपॉन ये पूरा मेरे कहने का मतलब है बीच में प्लस या माइनस जब होता है तो ये इस पूरे के नीचे ये पूरा इसके नीचे भी होता है तो ये पूरा इसके नीचे भी होता है, तो है हाँ इसको अपन यहां देख लेते हैं अब देखो बच्चे ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा तो एक साइन थीटा इससे कम हो जाएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट गया फिर भी एक साइन थीटा तो बच गया यहां पर मतलब यहां पर बच गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा राइट right? प्लस इधर आ जाओ यहां पर इस कोस थीटा से इसका स्क्वायर कट गया क्योंकि यहां पर दो बार कोस इंटू कोस था तो एक कोस कट गया फिर भी एक कोस तो बच गया कोस अपॉन साइन यहां बच गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो बच्चे देखो साइन अपॉन कोस टैन थीटा और कोस अपॉन साइन कोड थीटा यार तो देखो ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है अगर आप चाहो कि नहीं मैं तो लेफ्ट हैंड साइड को ही बढ़ाते हुए राइट हैंड साइड लाऊंगा तब तो आप ये कर लेना ठीक है और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं एलएचएस को यहीं पर रोक के राइट हैंड साइड करना चाहता हूँ तो भी ये सही एल एच एस एच एस है ये भी एल एच एस एस है ओके हाँ क्वेश्चन नंबर एट आठ इस तरीके से टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा राइट हैंड साइड में है टेन अल्फा इंटू टेन बीटा ईजी है अल्फ़ा बीटा की को टेंशन नहीं अपन को वो एक ही बात है यहाँ पर एंगल की जगह अल्फा है कभी थीटा हो जाता है कभी ए हो जाता है कभी हो जाता है तो वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें टेन अल्फा टेन मीटा में आंसर चाहिए और आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो तो ये भी टेन अल्फा और टेन टेन के टेन रू में भी है और ये भी टेन रू में भी है लेकिन कभी भी टेन कोट होने से टेन कोट में आंसर नहीं आ सकता तो बेटर है इस पूरे क्वेश्चन को साइन कोर्स के टर्म में बदल दिया जाए तो देखो टेन को लिखेंगे ले, अपन साइन अल्फा टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपन कोर्स थीटा और थीटा इन एंगल वो हमारे पास अभी अल्फा है ठीक है बीटा को लिख सकता हूं साइन बीटा अपॉन कोस बीटा यानी कि दोनों टेन है तो साइन अपॉन कोस साइन अपॉन कोस अपॉन कोट होता है कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोट बीटा कोट कोस बीटा अपॉन साइन बीटा यानी कि साइन टेंथ होता है साइन अपॉन कोस और कोट होता है कोस अपॉन साइन देखो अब इसका एलसीम ऊपर वाले का एलसीम ऊपर ले लो तो ऊपर एलसीम आया कोस अल्फा कोस बीटा ठीक है अब इसको मत देखना सिर्फ ऊपर वाले को सोल्व करें फिर अभी कोस अल्फा से को, कोस अल्फा कट गया को, कोस बीटा बचा ये कोस बीटा और वो साइन अल्फा है नीचे वाले को मत देखना तो वो आया साइन अल्फा और ये कोस बीटा एलसीम सोल्व करें कुछ नहीं करे बच्चा और कोस बीटा से कोस बीटा कट गया बच्चा कोस अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा से मल्टीप्लाई हो गया तो साइन बीटा इंटू कोस अल्फा आ गया अब ये जो फोन है वो अब लगाएंगे अब इस नीचे वाला उप्र, देखना तो इसका साइन बीटा साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया पीछे बचा साइन बीटा ये साइन बीटा और ये कोस अल्फा मल्टीप्लाई हो गया तो साइन बीटा इंटू कोस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन बीटा कट गया बचा साइन अल्फा तो ये साइन अल्फा और वो कोस बीटा ये बच गया इसको देखो इधर लिख देते हैं अपन साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा कोस बीटा मल्टीप्लाई ये जाएगा उधर रेसिप्रोकल होगा तो साइन अल्फा साइन बीटा ये जाएगा ऊपर और ये जो चीज है वो आएगी नीचे साइन बीटा कोस अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा ठीक है बच्चे कोस बीटा है वो कोस बीटा अब देखो बच्चे अगर इसको देखिए अपन साइन इंटू कोस साइन इंटू कोस तो यहां पर देखो साइन बीटा कोस अल्फा बिल्कुल साइन बीटा कोस अल्फा प्लस प्लस साइन अल्फा कोस बीटा मतलब ये दोनों चीज ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम टू सेम है ये कट जाएगी पीछे क्या बचा ऊपर तो बचा साइन अल्फा साइन बीटा नीचे बचा कोस अल्फा कोस बीटा अब देखो बच्चे एंगल एंगल सेम है वो वो अपॉन में आ जाएंगे साइन अल्फा कोस अल्फा इसको एक मिनट के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ साइन अल्फा कोस अल्फा लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में था मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं साइन बीटा कोस बीटा साइन बीटा कोस बीटा एक मिनट के लिए अब ऐसा लिख दूंगा तो आप समझ में आ जाएगा अब देखो साइन अपॉन कोस टेन अल्फा थीटा अल्फा, अल्फा अल्फा लिख दो मल्टीप्लाई साइन इंटू ट और बीटा तो आंसर क्या चाहिए था टेन अल्फा इंट बीटा ये टेन अल्फाइन बीटा ये आ गई अपनी राइट हैंड साइड एल एच एस एच एस हाँ बच्चे तो आपका क्वेश्चन नंबर नाइन आपका जो है वो बच्चे इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि इसी क्वेश्चन को अपन सी बी एस सी जो के अंदर कर चुके सी बी एस सी जो एट पॉइंट फोर एक्सरसाइज है उसमें कर चुके तो आपको करना क्या अपने यूट्यूब चैनल पर जाना है और ये जो प्ले है ट्रिग्नोमेट्री सी बी एस ई क्लास टेंथ देखो इसके नीचे मिलेगी आपको ट्रिग्नोमेट्री आर बी एस सी लेकिन आप सी बी एस सी वाले के अंदर जाना उसमें पार्ट थर्टीन तेरहवा पार्ट है ठीक है तेरहवा पार्ट है पार्ट थर्टीन है जिसके अंदर एक्सरसाइज एट पॉइंट फोर मिलेगी आपको उसका फिफ्थ का सेकेंड पार्ट यही क्वेश्चन है तो बार बार करने की जरूरत नहीं है वहाँ पर आप जाके ईजिली देख सकते हो ओके हाँ मुझे तो क्वेश्चन नंबर टेन दसवा इस तरीके से कह रहे हैं साइन फोर थीटा माइनस कोस फोर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन लाना है ओके okay, बच्चे तो ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एल एच एस देखो बच्चे यहाँ पर पावर फोर है अपन को लाना वन है तो अपन क्यों नहीं इसमें एक आइडेंटिटी की तरह फॉर्म बना लेते हैं इसको क्या मैं साइन फोर थीटा को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायेर का स्क्वायर एक ही तो बात है टू टू जोर पावर फोर को माइनस कोस फोर को लिख सकता हूँ थीटा का स्क्वायर ठीक है टू डोजा फोर टू जा फोर अपॉन साइन थीटा माइनस स्क्वायर और यहाँ पर बच्चे एक फॉर्मूला काम कर गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी ठीक है और अगर मैं एक ही बात करूँ यहाँ ए है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा बच्चे ध्यान देना जो ब्रैकेट के अंदर है और बी की वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा ये। चलो अपना क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो इसमें अपन वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी यस और ए माइनस बी और नीचे क्या है आंसर को ध्यान रखते आंसर होना है मतलब ऑलमोस्ट सबको काटना है तब वन आएगा तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा वन ठीक है ये तो वन हो गया और पीछे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस तो दोनों सेम टू सेम ऐसे ही कट गया बच्चा वन यानी कि वन अपॉन वन वन टाइम कटा ना तो वन आ गया तो ये हमारी राइट हैंड साइड है बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था हाँ बच्चा तो क्वेश्चन नंबर इलेवन ग्यारहवा यू कह रहा है कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर राइट हैंड साइड है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा एंड टू थीटा चलो अपन लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं एल एच एस देखो बच्चे अगर आंसर अपन को साइन कोर्स के टर्म में चाहिए तो ऑफकोर्स अपन लेफ्ट हैंड साइड को भी साइन कोर्स के टर्म में चेंज करेंगे देखो कोट को क्या लिखते हैं अपन लिख सकते हैं साइन कोज के टर्म में कोस अपॉन साइन थीटा ठीक माइनस टेन को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ओके बच्चे अब ले लो अब एलसीएम साइन इंटू कोस तो ऑफ कोर्स वही एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन से साइन कट गया कोस कोस को कोस है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस से कोस कट गया पीछे बचा साइन और साइन इंटू साइन ठीक है बच्चे अब देखो अगर मैं आंसर का ध्यान रखूं तो आंसर में चाहिए दो साइन तो देखो साइन थीटा नहीं चाहिए लेकिन हम तरह जानते हैं कोच स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा राइट तो मतलब इस कोच स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओके और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह है मतलब ये माइनस का वन साइन स्क्टा और माइनस का वन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटर एक साइन स्क्वा दो साइनस का थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा इन कोस थीटा यही हमारी राइट हैंड साइड थी यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस एच एस तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपका तेरहवा क्वेश्चन यू कह रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड है सेक थीटा माइनस कोस थीटा और कोट थीटा प्लस टेन थीटा और अपन को आंसर लाना है टेन और सेक देखो टेन और सेक या फिर कोट जब भी चाहिए हमेशा क्वेश्चन को साइन कोस के टर्म में बदलो सबसे बेस्ट तरीका है ओके सबसे ईजी पड़ेगा हर क्वेश्चन मोस्टली साइन कोस के टर्म में बदलो सेक होता है वन अपॉन थीटा

ये तो वन हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा हो गया वन नीचे क्या बचा उतार दो साइन थीटा कोस क्यों क्योंकि आइडेंटिटी होती है ना भाई साइन थीटा प्लस बच्चे तो ये तो वन हो गया यहाँ वन अपॉन एज इज ठीक है अब इधर आओ वन माइनस को स्क्वायर थीटा अब सुनना डिपेंड करता है कि मैं इसको साइन में क्यों चेंज कराऊं रीजन है रीजन बिहाइंड कि हमें आंसर चाहिए टेन और टर्म है तो देखो वन माइनस थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा और नीचे कोस थीटा का थीटा ब्रैकेट लगा दो चाहे मल्टीप्लाई में है अब देखना लें सब मल्टीप्लाई में है यहाँ पर साइन थीटा से इसका स्क्वायर कट गया क्योंकि यहाँ पर दो बार साइन थीटा था तो पीछे क्या बचा बेटे साइन थीटा और नीचे क्या बचा कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा ठीक है कोस स्क्वायर को थीटा या फिर आप इसको कोस इंटू कोस ही रहने दो तो इसके पीछे भी रीजन है बताता हूं आपको क्यों क्योंकि अब अपन करेंगे ये जो साइन है इसको लिख सकते हैं साइन अपोन कोस साइन थीटा अपोन कोस थीटा तो साइन जब इसके साथ आ चुका तो यहां बच्चा वन बिकॉज़ ये मल्टीप्लाई में है ना बच्चे यहां प्लस होता तो ये इसका भी होता, इसका भी होता। लेकिन यहां पर है इसका मतलब ये और लो, तो, इसको अगर टुकड़े करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा साइन अपॉन कोस आप जानते होता है थीटा और इन टू वन अपॉन कोस होता है, तो ये right very, very right? ठीक है बच्चे तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे देखो बच्चे एक क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी जो आपको सी बी एस सी वाले के अंदर जाकर देख लेना आराम से उसमें मैं तो कहता हूँ आप उस वाली आ, पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ना ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ठीक है दोनों सी बी एस सी आरबी एस सौ पढ़ना मैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालूंगा ट्रिग्नोमेट्री एक ही होती है क्वेश्चन मिलने चाहिए अच्छी बात है आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलने प्रैक्टिस करो ठीक है